अलवर एवं वन पर्यावरण मंत्री संदीप शर्मा ने अवैध खनन के ट्रैक्टर को रोक पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें मंत्री, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित ट्रैक्टर चालकों को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रही है और ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में जब्त करवा दिया। थाना प्रभारी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। देखिए लगातार मेरे पास ये फीडबैक आ रहा था कि वन विभाग में जो काम होते हैं, जो ठेके पे दिए जाते हैं, उस ठेकेदार द्वारा उस वन क्षेत्र से ही मिट्टी उठाई जाती है, उस वन क्षेत्र से पत्थर लिया जाता है, बजरी लिया जाता है और उसका भुगतान, क्योंकि टेंडर छूट चुका होता है और भुगतान टेंडरों के नियम के तहत उसको होता है। और आज जब मैं जयपुर से अलवर आ रहा था, लगभग 3 ट्रैक्टर जगन्नाथ जी का मंदिर जो रूपवास स्थित है, जहाँ मेला भरता है, बड़ी तेज गति से शहर की ओर आ रहे थे, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई और मैंने उस ट्रैक्टर को रोका। रोकने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोला साहब चौकी से वन विभाग के ऑफिस ले जा रहे हैं। तो मैंने, ये पत्थर कहाँ से आए, तो बोले जी अवैध खनन का पत्थर है और उसको वन विभाग के लोगों ने पकड़ा और उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने वन विभाग के अधिकारी कहा जो हमारे साथ चल रहे हैं, तो आगे जाके देखा, खड़ी थी वन विभाग की गाड़ी, उसमें एक हमीर नाम का व्यक्ति आया जो वन विभाग का कर्मचारी हो सकता है, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसने आके मुझको जब बताया कि, मैंने पूछा ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले साहब चौकी से आ रहे हैं और हमारा वन विभाग का ऑफिस में काम चल रहा है, उसके निमित्त हम ये पत्थर ले जा रहे हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि गांव का व्यक्ति जब अपनी झोपड़ी बनाने के लिए पत्थर लेके आता है तो आप उससे रवाना मांगते हो, उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो, उसके ट्रैक्टर को बंद करते हो, तो आज आप ये कह रहे हो कि ऑफिस में काम चल रहा है तो निश्चित रूप से कोई ठेकेदारी कर रहा होगा, तो वन विभाग उस ठेकेदार को कब से सुविधा उपलब्ध कराने लग गया। साथ ही साथ जब आप पत्थर लेके जा रहे हो और वन क्षेत्र का पत्थर जा रहा है, उसका रवाना भी कटा होगा, गलत है, निश्चित रूप से ये गलत है। और